भारत की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी के असर से पूरी तरह उबर चुकी है, ये विश्व बैंक का मानना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे सकारात्मक बदलावों को लेकर वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बैंक ने जारी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जीएसटी और नोटबंदी के प्रभाव से तेजी से उभर रही है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस साल यानी 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले तेजी से बढ़ेगी। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक ने जारी रिपोर्ट में दावा किया कि वित्त वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.3% रहने की संभावना है। साथ ही विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि आगामी 2 वर्षों में बढ़कर 7.5% होने का अनुमान है। साल में 2 बार जारी होने वाली साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जॉबलेस ग्रोथ में बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की बदौलत इस क्षेत्र ने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र का दर्जा फिर से हासिल कर लिया है। भारत को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि 2017 में 6.7% से बढ़कर 2018 में 7.3% हो सकती है। निजी निवेश और निजी खपत में सुधार से इसके निरंतर आगे जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि देश की वृद्धि दर 2019-20 और 2020-21 में बढ़कर 7.5% हो जाएगी। भारत को वैश्विक वृद्धि का फायदा उठाने के लिए निवेश और निर्यात बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। हर महीने 13 लाख नए लोग कामकाज करने की उम्र में प्रवेश कर जाते हैं और भारत को अपनी रोजगार दर को बनाए रखने के लिए 81 लाख नौकरियां पैदा करनी चाहिए, जो कि 2005 से 15 तक के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार लगातार गिर रही हैं। बैंक का मानना है कि विकास दर को बरकरार रखने के लिए भारत को हर साल लाखों बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।